हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लविंग मॉम टू विद मोमेंट्स। माय नेम इज अंकिता एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंजॉय अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग प्रेगनेंसी। गाइस, प्रेगनेंसी एक एक्साइटिंग टाइम होता है किसी भी लेडी के लिए। बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, इसलिए कई बार ओवरवेल्मिंग हो जाता है। कुछ लेडीज तो बात बात में रोने लगती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा होती हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम एंड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। सो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जिसको आप फॉलो करके थोड़ा बैलेंस रह सकते हैं। इन टिप्स को मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो किया था एंड आई होप आपको यूजफुल लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए। आपने सुना तो होगा ही कि जो माँ खाती है वही बच्चे को लगता है, विच इज़ ट्रू। इसलिए आप जो भी खाएँ ट्राई करिए कि आप न्यूट्रिएंट रिच फूड खाएँ। आप ढेर सारा फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, ड्राई फ्रूट्स लें, मिल्क लें एंड इस फेज को इन्जॉय करें। कुछ फ्रूट्स अवॉइड करने होते हैं, जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, फ्रूट्स को ना लें एंड ट्राई करें कि आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं और अपनी कैलोरीज का ध्यान रखिए। सो मोस्ट वुमेन को ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 300 to 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रही हैं, जो कि बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंड ये कैलोरीज न्यूट्रिएंट रिच फूड से आनी चाहिए, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों। एंड ये ध्यान रखिए कि ये एक्स्ट्रा कैलोरीज शुगर या फैट से ना आए, बिकॉज इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, न्यूट्रिएंट तो मिलेंगे नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हमारा प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वेट गेन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जो भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है उससे एग्री करिए। फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं जो भी बॉडी में, उसको अपनाएं, ना कि उसको देख के दुखी हों। ऐसे टाइम में हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो आप योगा कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा एक्टिव भी रहेंगे और थोड़ा काम भी फील होगा। उसके अलावा आप वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट रिमेंबर, आप जो भी कुछ करें पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको डॉक्टर बोले करने के लिए तो ही करिए, अदरवाइज नहीं करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। ये कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना खुद का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, जो भी काम आपको करना अच्छा लगता है वो करिए, अपना ख्याल रखिए। देन सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको जो भी एक्टिविटी करना अच्छा लगता हो, जैसे कि पेंटिंग, योगा, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता हो, रीडिंग करना अच्छा लगता हो, तो वो एक्टिविटी करिए। बट जितना हो सके खुश रहने का कोशिश करिए। हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत इमोशनली एंड फिजिकली, इसलिए कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। स्पेशली इन लास्ट ट्राइमेस्टर, जब बॉडी में बैक पेन होता है, लेग्स पेन होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है बॉडी में, बेबी पंप की वजह से उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो कई बार ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण होता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको थोड़ा एग्जॉस्ट फील हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लें। आप थोड़ा काम उनको डेलीगेट कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा कोई मेड रख सकते हैं थोड़ी हेल्प के लिए, घर के कामों के लिए। ऑफिस का काम आप थोड़ा अपने कॉलीग्स को दे सकते हैं। यूजुअली ऐसे टाइम में कोई मना नहीं करता, सब हेल्प कर देते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी एंड सीक सपोर्ट व्हेनेवर नीडेड। देन ट्राई कनेक्टिंग विद अदर एक्सपेक्टिंग मदर्स। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इमोशनल सपोर्ट सीक करने का। इससे क्या होगा, जब आप अपने चैलेंजेस उनके साथ शेयर करेंगे, वो लोग अपने चैलेंजेस आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। एंड बॉडी में ये जो भी डिस्कम्फर्ट है ये परमानेंट नहीं है, अपने आप थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा। तो कई हद तक स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिड्यूस होगी और आपको कई बार तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अराउंड बर्थिंग प्रोसेस, पोस्ट पैट्रम केयर, नर्सिंग सेशंस के अराउंड। तो आप ट्राई करिए कि आप नेटवर्क करिए अदर लेडीज के साथ। प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्दी फीटर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, अमीनियोटिक फ्लूड के लेवल को मेंटेन करता है, यूटीआईज को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के या पानी पीने के। सो अगर आपको प्लेन वाटर पसंद नहीं है तो आप ट्राई करिए कि उसमें कुछ मिक्स करके पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट्स डायरेक्टली भी खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं आप। कोकोनट वाटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोकोनट वाटर मिलता है तो आप ट्राई करिए कि आप वीक में 2 से 3 बार उसको लें। कई बार हम फिजिकल चेंजेस की वजह से, इमोशनल चेंजेस की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से
अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं, यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू ईच अदर, टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, टू मेंटेन दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर. सो आप ये कैसे कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हैं. शॉपिंग पे जाइए, बेबी मून प्लान करिए, डॉक्टर विजिट पे साथ में जाइए, मूवीज देखें आप साथ में, या जो भी आपको साथ में करना अच्छा लगता है वो काम करिए. प्रेगनेंसी में अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. ये आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए प्रेगनेंसी के अराउंड. मेडिटेशन के लिए आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए जब आप मेडिटेशन करेंगे. उस टाइम पे स्टिक रहना ज़रूरी नहीं है, बट सेम टाइम रहेगा तो आपको याद रहेगा और आप कंट्रोल रह सकते हैं. आप रात में सोने जाने से पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए, उसके बाद ही सोने जाइए. सो इनमें टॉपिक्स के अराउंड वीडियोज़ प्लान कर रही हूँ फ्यूचर में, आई होप आपको वो यूज़फुल लगेंगी. देन प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ योर लिटिल वन. आप बेबी की शॉपिंग कर सकते हैं. अगर आपकी फैमिली में अलाउड है बर्थ से पहले शॉपिंग करना तो आप शॉपिंग कर लिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. उसके अलावा बर्थिंग क्लासेस होती हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस के बारे में समझाया जाता है, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं. सो आप उनको ले सकते हैं ताकि आप डिलीवरी के टाइम के लिए प्रिपेयर हो सकें. इसके अलावा इन्फेंट केयर क्लासेस भी होती हैं, जहाँ पे बाथिंग, डाइपरिंग, नर्सिंग, उन सब चीज़ों के बारे में टिप्स दी जाती हैं, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर आप हॉस्पिटल बैग तैयार कर सकते हैं, बोथ अपने लिए और बेबी के लिए. एंड प्रिपेयर फॉर द पोस्ट पैटर्न रिकवरी टू. सो गाइज, ये रहे कुछ टिप्स, आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे. लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट कंपेयर योर प्रेगनेंसी विद अदर्स. सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, आपकी डिफरेंट है, दूसरे क्या कर रहे हैं आप उस पर फोकस मत करिए, अपनी जर्नी पर फोकस करिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब. कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है इस वीडियो में. अगर कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि कवर हो तो आप वो टॉपिक बताइए मेरे को. That's all from my side today. I will catch you in my next upload.